कोलकाता के प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज को शुक्रवार को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के रूप में चिन्हित करने और फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं को सम्मान करने के लिए विशेष प्रकाश और ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया गया। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए पुल को पहली बार तिरंगा में सजाया गया था। बाद में चिकित्सा और पुलिस कर्मियों सहित फ्रंटलाइन कोविड 19 योद्धाओं के सम्मान के लिए रंग बदल कर सफेद हो गए। तीन रंगों लाल, नारंगी और हरे का उपयोग कोरोना वायरस के लिए सीमांकित तीन जोन को चित्रित करने के लिए किया गया था। पूरे हावड़ा ब्रिज को आखिरकार हरी बत्तियों से जलाया गया, जो बीमारी पर जीत का संकेत देता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार मुखर्जी ने कहा कि इन परेशानियों के समय में हमने प्रतीकात्मक संदेश भेजने की योजना बनाई थी। यह वही इंटरैक्टिव लाइट और साउंड सिस्टम है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की अपनी यात्रा के दौरान जनवरी 2020 को लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को